मैं ऐसे बनाया था, सबसे ऊपरी ऊपर क्रस्ट, फिर मेंटल और फिर कोर। फिर इसको मैंने बांट दिया था अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट फिर अपर मेंटल और लोअर मेंटल। क्यों बांटा हुआ आगे बताऊंगा। उसके बाद कौन सा है, आउटर कोर, उसके बाद इनर कोर, ठीक है। फिर इसके बाद मैं एक क्या चीज़ यहाँ पे लिखा हूँ कि यही क्रस्ट प्लस अपर मेंटल मिलकर लिथोस्फेरिक प्लेट बनाते हैं। प्लेट समझ रहे हो, चलो आगे मिलेगा। उसके बाद आपके सामने एक ये चित्र है, एक छोटे से प्याज या आलू के टुकड़े को से मुसीबे में काट लो सेंटर तक, सीधा ऐसे पकड़ो और ऐसे ऐसे करके निकाल लो। उसको निकालने के बाद सेम ऐसे ही एक आकृति मिलेगी तुमको, मिलेगी ना, जैसे लालमी में। लालमी सही बोला है, लालमी तीन को लेयर होता है। हाँ देखो, तीन को लेयर भी होता है उसको। अब ऐसे इसके एक एक लेयर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये कल देखे थे ये वाला चीज, इसको मैं अभी यहाँ पे बनाता हूँ। चलो लिखो, अर्थ के लेयर डिवीजन के बारे में हम लोग जान ले। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन संगठन के आधार पर, संगठन के आधार पर इसे कितने वर्गों में बांटा गया है। पहला कौन सा था, जिसको भूख पट्टी या पपड़ी बोलते हैं। दूसरा क्या था, तीसरा क्या था, कोर या क्रोड, ठीक है। कौन कौन सा है, वेरी गुड।
स्थल मंडल, दूसरा आ जाएगा दुर्बलता मंडल, मेजोस्फीयर, मेजोस्फीयर मींस होता है मध्य मंडल, चलो इसको पहले नोट डाउन कर लो, उसके बाद एक एक का पोस्टमार्टम करते हैं, पहले इसको नोट डाउन करो। हो गया। हो गया, ठीक है। अब हेडिंग डालो क्रस्ट, चलो इसका पोस्टमार्टम करता हूँ, इसका बेहतरीन मैं पोस्टमार्टम करूँगा, ठीक है। इस भाई साहब का जैसे डॉक्टर पोस्टमार्टम करता है ना, हाँ, तो इस भाई साहब का होगा पोस्टमार्टम, देखते हैं ये क्या है भाई साहब, ठीक है। मैं पेज ऐड करूं, ठीक, चलो हेडिंग आप क्रस्ट,
अच्छा ये ब्लू कलर में क्या है इसमें? पानी है, पानी है। अरे वाटर है, समुद्र है। यस कोई भी चीज पढ़ो लास्ट टाइम एक बार, क्योंकि फिर इसके लिए दोबारा समय मत दो कि तीसरे टीचर से चौथे टीचर से पढ़ूंगा। एक बार अच्छे से पढ़ो, कहानी खत्म करो। ये क्या बना रहा हूँ? बैट बगलोली मैग्मा थोड़े हेडिंग वाले क्रॉस तो लिखोगे मैग्मा चट्टान का कलर भी तो लाल होता है अलग अलग। हाँ इसका हाल वही हो गया कालिदास वाला। वैसे दो दिखाई तो मुट्ठी दिखाया, उसको अर्थ में वक्त तब्दील कर देना था। चलो बनाओ इसको। इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। Thank you.
रुक जाओ थोड़ा मुझे लिख लेने दो। ऐसा हो जाओ प्लीज।
चलो इसको नोट डाउन करो। इसे पूरे पार्ट को मिला के क्या बोलते हैं? क्रस्ट। यही है क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मिस, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मिस जिस पर कॉन्टिनेंट्स, पर्वत, पहाड़, हम सब घर द्वार जितना है सब टिके हुए हैं उसको क्या कहते हैं? और ओशियनिक क्रस्ट मीन्स जिस पर महासागर टिके हुए हैं, जिस पर महासागर टिके हुए हैं। ठीक है सर, हो गया। नहीं दिख रहा है। ठीक है, कह सकते हो, एक बात कह सकते हो जो लिख रहा हूं, देखो तुम कह सकते हो?
अब बताना देखो तो कहा जा सकता है ये कहीं पर इसकी मोटाई 50 किलोमीटर और कहीं पे इसकी मोटाई जैसे हिमालय रीजन वाला में हिमालय देखो हिमालय का जितना भाग ऊपर है उससे कहीं ज़्यादा नीचे भी होगा तो देखो तो कहीं पे इसका 70 किलोमीटर और ये वाला लगभग 30 किलोमीटर तो ये पूरा कहीं ऊबड़ खाबड़ है क्या हाँ एक समान नहीं है ना तो मैं लिखा हूँ कि हेंस इट कैन बी सेड दैट द थिकनेस ऑफ क्रस्ट इज नॉट यूनिफॉर्म एक समान इसकी मोटाई नहीं है ठीक है आप इसको नोट कर लो इसको मान लेता हूँ समतल मैदान जिसपे हम लोग हैं ये समतल मैदान हो गया यहाँ पर समतल भूमि ये हो गया हिमालय रीजन या बहुत बड़े बड़े पहाड़ पर्वत ये हो गए कौन पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र लिखना नहीं है ये वाला मत लिखना पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा ऊपर है तो उसका नीचे भी तो होगा ना तो देख लो इसकी मोटाई वेरी कर रहा है कि नहीं यानी क्या कह सकता हूँ कि इसकी जो क्रस्ट की मोटाई है वो वेरी करता है यूनिफॉर्म नहीं है ठीक है चलो लिखो तो हेडिंग आलो क्रस्ट हेडिंग आलो क्रस्ट पपड़ी भूपट्टी लिखो पहला पॉइंट या पृथ्वी की या ऐसा लिखो रुक जाओ ऐसा लिखो यह स्थलीय ग्रह पृथ्वी की यह स्थलीय ग्रह टेरेस्ट्रियल प्लेनेट यह स्थलीय ग्रह पृथ्वी की यह स्थलीय ग्रह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जिसकी मोटाई भिन्न भिन्न है जैसे जैसे महाद्वीपीय भूपट्टी की मोटाई जैसे महाद्वीपीय भूपट्टी की मोटाई जैसे महाद्वीपीय भूपट्टी की मोटाई
30 से 50 किलोमीटर या 50 से 70 किलोमीटर या 50 से 70 किलोमीटर है, जबकि महासागरीय ओशियनिक क्रस्ट, जबकि महासागरीय भूपट्टी की मोटाई 5 से 30 किलोमीटर है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, जिस भूपट्टी पर महाद्वीप कॉन्टिनेंट्स, जिस भूपट्टी पर महाद्वीप पहाड़, कमा पठार, कमा हम सब मानव जीव जंतु इत्यादि टिके हैं, उसे महाद्वीपीय भूपट्टी कहते हैं। दिखाई दे रहा है ना? यानी अब क्या है, अब समझ में आया कि एक मोटे प्लेट पर हम सब टिके हैं, है क्या? अब क्वेश्चन ये बनता है, सर ये प्लेट किस पे टिका होगा, फिर ये किस पे टिका होगा, तो फिर आगे इसको मिलेगा मेंटल में, ये किसी चीज पे टिका होगा ना, ये किस पे टिका है, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आगे लिख लो, पैराचेंज करके लिखो तथा जिस भूपट्टी पर महासागर अब्लिक सागर टिका हुआ है उसे महासागरीय भूपट्टी कहते हैं, ठीक है। अब एक काम करो, ऐसा लिखो, एक साइड में लिखो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और एक साइड में लिखो ओशियनिक क्रस्ट, उसी के नीचे, फिर इसके नीचे दो एरो दो, फिर इसके नीचे दो एरो दो। इसमें जो पॉइंट बोलूंगा उसमें लिखना। अरे यार लिख लो, महाद्वीपीय पपड़ी, और इसको कर दो महासागरीय पपड़ी। चलो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में लिखो पहला पॉइंट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में बताना ये लिखा जा सकता है क्या, सेम ऐसे
ऐसे लिख सकता हूँ, कहीं 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तो कहीं 50 से 70 किलोमीटर तो कहीं 70 से 100 किलोमीटर, ठीक है। चलो इसी में अगला पॉइंट लिखो यहाँ पे। अच्छा एक अगला ये क्वेश्चन आता है यहाँ पे, यहाँ पे देखो ये है क्या, ये है क्या, ये इतना मोटा जो देख रहे हो क्या है, चट्टान है। मैं आपको बताया था ना पहले पहले दिन क्लास में, ये क्या है, चट्टान है। अब प्रश्न आता है कि इसमें कौन सा चट्टान पाया जाएगा, उसमें कौन सा चट्टान पाया जाएगा, दोनों डिफर करेगा ना। अरे दोनों डिफर करेगा, प्रकृति का नियम है, दोनों डिफर करेंगे तभी तो टोपोग्राफी बनेगा, तभी तो टोपोग्राफी बनेंगे। अब इसमें कौन सा चट्टान पाया जाएगा, उसमें कौन सा चट्टान पाया जाएगा, ठीक है। यानी कहने का अर्थ है कि कंटिनेंटल क्रस्ट में कौन कौन से चट्टान पाए जाते हैं, किससे बना है, और अगला आ जाता है ये किससे बना है, इसमें कौन से चट्टान पाए जाते हैं, ठीक है। चलो इसमें लिखो कि इसमें अगला पॉइंट, हाँ इसमें, हाँ हाँ अगला पॉइंट इसमें लिख लो, इसमें ग्रेनाइट रॉक्स बताया था, इसमें ग्रेनाइट चट्टान, इसमें ग्रेनाइट चट्टान, रेड पेन से लिखना ग्रेनाइट चट्टान, रेड पेन से लिखना, क्वेश्चन पूछा हुआ है ये, इसमें ग्रेनाइट चट्टान पाई जाती है, और मुझे एक बात बताओ कि जिस दिन मैं रॉक्स पढ़ा रहा था आप लोगों को, उस दिन ग्रेनाइट रॉक्स और बेसाल्टिक रॉक्स पढ़ाया था क्या, उसमें कुछ लिखवाया था कि ये ठोस होते हैं, हाँ तो लिखो अगला पॉइंट फुल स्टॉप के बाद, रेड पेन से लिखना है पूरा लाइन, ये भार में हल्के होते हैं ये भार में हल्के होते हैं, लेकिन लेकिन अधिक ठोस होते हैं, लेकिन अधिक ठोस होते हैं, लेकिन अधिक ठोस होते हैं। देखो अगला पॉइंट इसमें, अच्छा मैं बताया था उस दिन कि आपको कि किसी चीज़ का जो ये वस्तु ठोस है कि थोड़ी सी लचीली है, इस किस बात से पता चलता है कि इसकी डेंसिटी क्या है, घनत्व क्या है, हाँ तो फिर अगला क्वेश्चन आता है कि किस आधार पे आप बोल रहे हैं ठोस है। तो लिखो अगला पॉइंट, लिखो इसका घनत्व कितना हो जाएगा, इसका घनत्व 2.8 ग्राम पर, फाइल को क्लोज करो, तो 2.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, 2.8 ग्राम पर या क्यूबिक सेंटीमीटर, इसका अर्थ क्या होगा इस वर्ड का, एक सेंटीमीटर क्यूब का रॉक चट्टान काट कर लाओ
और जब उसमें चेक करोगे तो उसका भार कितना होगा, 2.8 ग्राम। ठीक है, चलो आगे लिखो। देखो पृथ्वी की भूपट्टी का, पृथ्वी की भू, अगला पॉइंट इसी में पृथ्वी की भूपट्टी का लगभग 70% कौन सा है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो लिख लो महाद्वीपीय भूपट्टी है, महाद्वीपीय भूपट्टी है। कोस्ट में डाल दो पूरे आयतन का क्रस्ट, ऐसे लिखना भूपट्टी के पूरे आयतन का, भूपट्टी के कोस्ट में डाल के लिख लो भूपट्टी के पूरे आयतन का। आपको अगर सर कैसे, खुद देख लो किसका वॉल्यूम ज़्यादा है, कंटिनेंट क्रस्ट का है। ठीक है, आगे लिख लो, लाइट आ गई। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये आता है कि रॉक किस चीज से बना हुआ है, बताइए। पहले क्लास में पढ़ाया था, हाँ बैग बगलो मैं क्या बताया था कि रॉक्स का परिभाषा की पूछे तब क्या बताओ आपके, वेरी गुड, द एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स इज कॉल्ड रॉक्स, यानी खनिजों के समूह को क्या कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में कोई खनिज पाया जाता होगा क्या, बिल्कुल पाया जाता होगा। तो लिख लो कि महाद्वीपीय भूपट्टी की चट्टानों में महाद्वीपीय भूपट्टी की चट्टानों में किसका बताओ, तो रेड पेन से लिखना, सिया सुने हो, सियांग लिखो महाद्वीपीय भूपट्टी की चट्टानों में सिलिकेट तथा एल्यूमिनियम, चट्टानों में सियाल सिलिकेट तथा एल्युमिनियम जैसे खनिजों की उपलब्धता पाई जाती है, उपलब्धता होती है। अगला पॉइंट लिखो, महाद्वीपीय प्लेट का निर्माण महाद्वीपीय प्लेट का निर्माण प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण भी होता है। प्लेट टेक्टोनिक आपस में प्लेटों के टकराने, टूटने, फूटने,
चलो अब उस साइड में चले जाओ, ओशियनिक क्रस्ट में, ओशियनिक क्रस्ट में जाकर लिख लो। लिखो इसकी मोटाई, इसकी मोटाई ओशियनिक क्रस्ट में जाकर लिखो, इसकी मोटाई 5 किलोमीटर से 30 किलोमीटर हो सकती है। इसकी मोटाई 5 किलोमीटर से 30 किलोमीटर हो सकती है। अगला पॉइंट लिखो, यह रेड पेन से लिखना, यह बसाल्टिक चट्टान, यह बसाल्टिक चट्टान यह बसाल्टिक चट्टान से, यह बसाल्टिक चट्टान से बना है। अगला पॉइंट, इसका घनत्व 3 ग्राम, इसका घनत्व 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, इसकी डेंसिटी 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। फुल स्टॉप। अब बताइए कि यह कॉन्टिनेंटल प्लेट से हल्का होगी कि भारी होगी? हाँ, क्यों? कितना इसके 1 सेंटीमीटर क्यूब काटोगे तो कितने ग्राम इसका भार होगा? और उसका कितना था? भारी कौन होगा? ये होगा ना, ये याद रखोगे तभी प्लेट टेक्टोनिक समझ में आएगा। ये याद रखोगे तो समझ में आएगा, और वहाँ पे बहुत बेहतरीन समझ में आएगा, समझे ना? तो इसको लिख लो, रेड पेन से लिखो, अतः यह भारी होगी, अतः यह अधिक भारी होगी। अगला पॉइंट लिखो कि महासागरीय भूपट्टी में बताओ तो कौन सी मिनरल्स सिलिकेट और मैग्नीशियम सीमा पढ़े हो? सिलिकेट और लिख लो, सिलिकेट तथा मैग्नीशियम जैसे खनिजों की उपलब्धता होती है, सिलिकेट तथा मैग्नीशियम कोष्ठबंध जैसे खनिजों की उपलब्धता है। ठीक है, चलो आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल।